स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी भैया हैं, उनके ब्याह से पहले वैकेंसी निकला, उसके बाद उसका बच्चा भी हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग का काउंसलिंग नहीं हुआ। जो बच्चा को भूख ना लगे, उनको दूध ना मिले, यही ना है। जब तक हम लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, इसका तेजस्वी यादव को क्या पता है धूप काल, वो तो एसी में बैठते हैं, चल देते हैं कहीं भी, उनको क्या पता है। बिहार में रहते हैं, बिहार का दर्द समझेंगे तभी ना। कब भी आज तक एक साल हो गया है उनको डिप्टी सीएम बने हुए, हेल्थ मिनिस्टर बने हुए, कभी मिले हैं किसी से भी नहीं, सिर्फ उनकी कुर्सी दर्शन होती है। बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं, अस्पताल में ओटी टेबल पर एक्सरे मशीन के पास कुत्ता भेड़ बकरी बैठा हुआ है, उसको देखने वाला, उसको चलाने वाला पारा मेडिकल स्टाफ नहीं है। ये दिन काटने की प्रक्रियाएं चल रही है। आज देख रहे हैं लगातार राजनीतिक पार्टियों की अपनी मीटिंग हो रही है, अपनी बयानबाजी हो रही है, कभी इतना रोजगार दे रहे हैं, कभी 1.5 लाख, कभी 5 लाख नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि नौकरी कब होगा। वो दावा करते हैं, रोगियों का दवा नहीं करते हैं। आज हॉस्पिटल का जो हाल है वो इससे पहले नहीं था। इससे पहले जो वैकेंसी आया हुआ है, इसका लगातार हम लोग अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो। एक साल बीत चुका है और कोई प्रक्रिया उसके बाद नहीं की गई है। काउंसलिंग कराना था, उसके बाद सभी का काउंसलिंग उपरांत सभी का ज्वाइनिंग कराना था, यहाँ से मेरिट तय करके सबको भेजना था, स्वास्थ्य विभाग को भेजना था रिजल्ट प्रकाशित करके, लेकिन कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। सिर्फ हवा हवाई कागजी पर जो है ना, वो कागजी पर लिखते हैं कितना लाख वैकेंसी दिया, इतना होगा, मगर जमीन या सिर पर कुछ नहीं है। बस गुजारिश है भैया तेजस्वी से, गुजारिश है चाचा नीतीश कुमार जी से कि अपना आँख खोलिए, नेत्र खोलिए और बच्चे लोग का भविष्य उज्ज्वल कीजिए, क्योंकि हम लोग का भविष्य अंधकार में है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर मेरी मौजूदगी है, जहां पर पारा मेडिकल के छात्रों का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। तमाम पारा मेडिकल के छात्र जो है काफी परेशान हैं, करीब एक साल से ऊपर हो गए, लेकिन इन लोगों की बहाली लंबित है। अभ्यर्थी लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार यह दावा करते हैं कि हम बिहार में स्वास्थ्य विभाग में काफी बहाली निकाल रहे हैं, तमाम लोगों की बहाली कर रहे हैं। ऐसे में युवा जो है वो काफी आक्रोशित है, पारा मेडिकल के तमाम छात्र हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे, बीटीएससी कार्यालय के बाहर तमाम छात्र पहुंच गए। ऐसे में तमाम छात्रों का क्या मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे सीधे जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देखिए, भारत भूषण नाम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं पारा मेडिकल छात्र संघ बिहार। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय के पास क्यों? देखिए, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन की पिछले वर्ष बहाली आई थी। एक साल बीत चुका है और कोई प्रक्रिया उसके बाद नहीं की गई है। काउंसलिंग कराना था, उसके बाद सभी का काउंसलिंग उपरांत सभी का ज्वाइनिंग कराना था, यहाँ से मेरिट तय करके सबको भेजना था, स्वास्थ्य विभाग को भेजना था रिजल्ट प्रकाशित करके, लेकिन कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। छात्र जो प्रशिक्षित पीएमसीएच, डीएमसीएच, एएनएमसीएच गया, तमाम मेडिकल कॉलेज से, बिहार के अन्य पारा मेडिकल संस्थानों से पास आउट लोग बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं, अस्पताल में ओटी टेबल पर एक्सरे मशीन के पास कुत्ता भेड़ बकरी बैठा हुआ है, उसको देखने वाला, उसको चलाने वाला पारा मेडिकल स्टाफ नहीं है, तो आखिर कब तक ऐसे चलेगा। जब सरकार के तरफ से सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, तो अब काउंसलिंग कराने में क्या देरी है। ये दिन काटने की प्रक्रियाएं चल रही है। आज देख रहे हैं लगातार राजनीतिक पार्टियों की अपनी मीटिंग हो रही है, अपनी बयानबाजी हो रही है, कभी इतना रोजगार दे रहे हैं, कभी 1.5 लाख, कभी 5 लाख नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि नौकरी कब होगा। जब विज्ञापन आपने जो निकाला उसको आपने क्लियर ही नहीं किया, तो इस तरह से कब तक। अब अगर इस तरह से ही चलता रहा, और जो अभी जो पदाधिकारी बीटीएससी के सचिव और सदस्य महोदय लोगों ने जो बताया है कि 15 अक्टूबर तक रेज ऑब्जेक्शन का लिंक देंगे, अगर 15 अक्टूबर तक रेज ऑब्जेक्शन का लिंक नहीं दिया जाता है, तो हम लोग सभी जिले में सभी सिविल सर्जन ऑफिस में तालाबंदी करेंगे और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में तालाबंदी करेंगे, क्योंकि पारा मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर डिमोन्स्ट्रेटर नहीं है, पारा मेडिकल काउंसिल अभी तक नहीं बना है, और जो नए कॉलेज शुरू हुए हैं वहाँ पर अभी तक कॉलेज में कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। तो लगातार दावा करते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग में लाखों लाख बहाली। देखिए, दावा करना और धरातल पे करना बहुत अंतर है। अब अगर धरातल पे उनका दावा नहीं दिखा, तो फिर हम लोग धरातल पर सही जगह पर अस्पतालों में जाकर के सभी मंत्री विधायकों को रोक लगा देंगे, औचक निरीक्षण जो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं पदाधिकारी लोग, उनको रोक लगा देंगे, उनको घुसने नहीं देंगे, क्योंकि
ये नहीं चलेगा कि बांझन का जाने पर सोती वाला हाल। आपके घर में कोई पारा मेडिकल स्टाफ नहीं है, कोई कर्मी नहीं है, तो आप बच्चों का दुख दर्द नहीं समझते हैं। आपने वो कॉलेज क्यों खोला जिस कॉलेज में कोई ट्यूटर डिमोन्स्ट्रेटर नहीं है? क्या बिना कॉलेज में शिक्षक के कोई बच्चा पढ़ता है? तो इसीलिए ये चीज़ सुधार होनी चाहिए। हम लोग बार बार कह रहे हैं, मजबूरन हम लोगों को वो करना पड़ेगा जो कभी नहीं हुआ है। कहाँ तक ये आंदोलन जाएगा? जहाँ तक वो स्वास्थ्य विभाग अंदाजा भी नहीं किया है। हम लोग अभी एक बाइट में हम बताए भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी भैया हैं, उनके ब्याह से पहले वैकेंसी निकला, उसके बाद उसका बच्चा भी हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग का काउंसलिंग नहीं हुआ। तो हम स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री से पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवा के हम जो बेरोजगार छात्र हैं उनको रोजगार दें। ऐसे जो ये जुमलेबाजी चलते रहेगा, तारीख पे तारीख मिलते रहेगा, ऐसे में नहीं बनेगा। और आप बताएं कि स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ दावा करते हैं, हाँ वो दावा करते हैं, रोगियों का दवा नहीं करते हैं। आज हॉस्पिटल का जो हाल है वो इससे पहले नहीं था। इससे पहले जो वैकेंसी आया हुआ है इसका लगातार हम लोग अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम चेतावनी दे रहे हैं बिहार सरकार को, स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री को, कि अगर 15 तारीख तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होती है, काउंसलिंग का अगला कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और सरकार को पैरामेडिकल छात्र संघ के ताकत को दिखा देंगे। चलिए, महिला अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। काफी कड़कती धूप है, तब भी आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी मांगों को रख रही हैं। देखिए, वो कहावत एक नहीं है, जो बच्चा को भूख ना लगे उनको दूध ना मिले, यही ना है। जब तक हम लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, इसका तेजस्वी यादव को क्या पता है धूप काल? वो एसी में बैठते हैं, चल देते हैं कहीं भी, उनको क्या पता है? बिहार में रहते हैं, बिहार का दर्द समझेंगे तभी ना। वो तो है नहीं। बार बार हम लोग आते हैं, ऐसा बीटीएससी में आते हैं, यहाँ से आश्वासन मिलता है, वो तो कभी मिले ही नहीं कभी। आज तक एक साल हो गया है उनको डिप्टी सीएम बने हुए, हेल्थ मिनिस्टर बने हुए, कभी मिले हैं किसी से भी नहीं। सिर्फ उनकी कुर्सी दर्शन होती है, वो कभी नहीं मिलते हैं। वो तो सिर्फ वो कहावत नहीं, नौटंकी दिखा रहे हैं कि हम हेल्थ मिनिस्टर हैं। हेल्थ मिनिस्टर क्या होता है उनको खुद नहीं पता है। युवा विरोधी है, महिला विरोधी तेजस्वी यादव पूरा हम बोले ना, उनको खुद नहीं पता है कि वो हेल्थ मिनिस्टर है। लेकिन रोजगार जो कर रहे हैं ना, वो रोजगार नहीं देने वाले में से हुआ है। सिर्फ हवा हवाई कागजी पर जो है ना, वो कागजी पर लिखते हैं कितना लाख वैकेंसी दिया इतना होगा, मगर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। बस गुजारिश है भैया तेजस्वी से, गुजारिश है चाचा नीतीश कुमार जी से कि अपना आँख खोलिए, नेत्र खोलिए और बच्चे लोग का भविष्य उज्ज्वल कीजिए, क्योंकि हम लोग का भविष्य अंधकार में है। हम लोग कोर्स 5 साल में कोर्स करके अभी भी 1 साल से डंटा खा रहे हैं, देख रहे पूरा शरीर में उसी का दाग दिया हुआ है, इतना लाठी मारा है एकदम। अरे 1 साल से वैकेंसी, हम लोग हमारे पे भी लाठी चार्ज हुआ है, हमारे गर्ल्स लोग है उनपे भी लाठी चार्ज हुआ है। कितना 2023 में भी हुआ था लाठी चार्ज, फिर भी हम लोग लाठी खाए, फिर भी पड़ता है। सुनिए, डंडा खाएंगे लोग, नौकरी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मार लीजिए जितना डंडा, जितना डंडा मारना होगा मारे हैं ऑलरेडी। सुनिए, बहाली जिसमें नहीं निकल रहा था हम लोग, 1 साल बहाली के लिए हम लोग खूब धरना प्रदर्शन किए, लड़े, उसमें भी डंडा खाए, तब वैकेंसी निकला। अभी पेंडिंग है काउंसलिंग, 1 साल से पेंडिंग है, इतना मार खा रहे फिर भी कह रहे हैं कि हमको 160 लाठी मार लीजिए, मगर कहिए काउंसलिंग कब करा रहे हैं? अब आप बोल रहे आज आए हैं भीड़ को लेके, तो बोल रहा है कि अक्टूबर में आपका आपत्ति ले रहे हैं, अगर अकेले आते तो भगा दिए जाते, और 100 के सैकड़ा 200 के सैकड़ा में आए तो करा के आपका नवंबर में काउंसलिंग हो रहा है। तो हम लोग भी सीधा चेतावनी दे दिए, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। अगर इस बार हम लोग की अगर इस बार काउंसलिंग अगर नवंबर में नहीं होती है, ओटी असिस्टेंट सेलेक्ट टेक्नीशियन और इसी टेक्नीशियन तीन को ट्रेड है, इन तीनों को अगर काउंसलिंग नहीं होता है नवंबर में, तो हम लोग गर्दनिया बाग में जो धरना स्थल है उस पर हम लोग आमरण अनशन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे और हम लोग काउंसलिंग कराएंगे। सरकार को झुकाएंगे, आमरण अनशन करेंगे, गर्दनिया बाग धरना स्थल पर तमाम पैरामेडिकल के अभ्यर्थी अगर मांग पूरी नहीं होती है, तो वहीं बीटीएससी कार्यालय के पास लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम अभ्यर्थी पैरामेडिकल के। तेजस्वियों से हम मांग कर रहे हैं कि आप दावा कर रहे हैं आपकी शादी होगी, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों की बहाली कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हमारी बहाली नहीं हुई, 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन बहाली करने की जब हम मांग करते तो हमें लाठी से मारा जाता है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे पैरामेडिकल के तमाम अभ्यर्थी आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।